सब्सक्राइब कीजिए टेक विद केती को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद। आप मुझे सुनते हैं अक्सर KGN टेक्निकल चैनल पर आज आप ये भी जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ किस्म के चैनलों पर काम करता रहता हूँ, जैसे कि टेक विद KP, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इत्यादि। तो हमने दो सीरीज चालू की हैं, एक वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेजेस हैं उसकी सीरीज चालू कर दी है KGN टेक्निकल पर। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर और फंडामेंटल्स हमने स्टार्ट किया है टेक विद KP पर। तो मैं आज आपको बता दूं कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर, क्या है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है भाई, दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, टेपोलॉजी नहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप जानते हैं, जानते हैं इस बात को। इस बात का जवाब मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। मैं बता रहा हूँ उससे हट के जवाब आना चाहिए मेरे पास कि कंप्यूटर क्या है। चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या हो सकता है? कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER, C4 cat, O4 orange, M4 monkey, P4 parrot, U4 umbrella, T4 tiger, E4 elephant, R4 rose। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो। हाँ, तो बताइए कंप्यूटर का आप मुझे पूरा नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, उसे हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर एक संगणक, नहीं हिंदी में तो आप ही को लोगों को बताना है, मुझे नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के कामों को बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक सुलझा देता है। यार मुझे कई सारे काम्स करने हैं, जैसे कि वीडियो देखना, मूवी देखना, फाइल लिखना, डॉक्यूमेंट्स लिखना, कोर्स रिकॉर्ड करना वगैरह वगैरह। कंप्यूटर का आविष्कार कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबिस ने किया है। कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था चार्ल्स बेबिस ने किया, सन मुझे याद नहीं है, चार्ल्स बेबिस, सन भी आपको बताना है। चार्ल्स बेबिस ने कंप्यूटर का आविष्कार किया और उसको सही तरीके से डिज़ाइन करने वाले थे हार्वर्ड आइकन साहब। हमारा आईकेन ने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। पहले के क्या कंप्यूटर कैसे, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मैनीफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये होते थे। बट सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या था, महंगा मिलता था और उसका साइज भी, तो आजकल चल रहा है छोटा कंप्यूटर है बहुत। किस प्रकार से डेस्कटॉप में देखिए आप, छोटा सा छोटा कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, आप उसको बैग में रख करके आसानी से चल सकते हैं। पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे दोस्तों, आपको बता दूं, पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे कि एक कमरे के समान, एक कमरे के बराबर आकार हुआ करता था। ठीक है, और कंप्यूटर, हाँ तो देखिए, कंप्यूटर का आकार पहले एक कमरे के बराबर हुआ करता था, यू आर राइट। तो सॉरी, मैं एकदम सही चलता हूँ। तो कंप्यूटर का आकार एकदम बहुत बड़ा हुआ करता था, कंप्यूटर का कमरे का, कमरे बराबर। ठीक है, उसके बाद उसकी काम करने की क्षमता भी थोड़ी कम थी,
भाई वो इंसान तो है नहीं, मशीन है ना, वो मशीन की ही भाषा समझता था। मशीन लर्नरी की जो लैंग्वेज होती है उसको वही समझ में आती है। और कंप्यूटर हमेशा शून्य से काम करता है, ये नहीं होता है कि एक और एक दो होते हैं तो एक और एक चार। कंप्यूटर हमेशा शून्य के साथ काम करता है। कंप्यूटर एक क्या है, बुद्धिहीन है, उसमें दिमाग नहीं है कंप्यूटर में। ये भी आपको बताना चलूँ, कंप्यूटर में बिल्कुल दिमाग नहीं होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि अनपढ़ है कंप्यूटर, अनएजुकेटेड पीपल है वो, ठीक है। मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए, तो कंप्यूटर क्या है, बुद्धिहीन है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक बुद्धिहीन जीव है। तो अब उसके बाद हम कह दें कि कंप्यूटर का आकार बड़ा हुआ करता था, फिर धीरे 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 उसकी कार्य करने की क्षमता भी थोड़ी सी कम हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या किया गया, उस कंप्यूटर में सुधार किया गया। भाई इतना बड़ा कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है कि आम लोग लेंगे तो किसी का छोटा छोटा घर होता है, इतना बड़ा कंप्यूटर रखेंगे कहाँ, रहने की जगह नहीं कंप्यूटर ले लें, नहीं उसको छोटा किया, फ्रिज के आकार में किया, फ्रिज के आकार से उसको कूलर के आकार से लाए और छोटा किया। इतना छोटा कर दिया उस कंप्यूटर को कि वो आज टेबल पर सजा के रख लीजिए, डेस्कटॉप की तरह, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि डेस्कटॉप क्या है, लैपटॉप क्या है, टास्क बार क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या है। तो कंप्यूटर का बेसिक बताया आपको कि फंडामेंटल हम आपको पूरा कंप्लीट इसमें करा देंगे। तो देखिए फिर डेस्कटॉप से छोटा करके अब उन्होंने कहा यार कंप्यूटर तो छोटा हो गया यार, अब चार पार्ट हैं यार कमलेश भैया, ये बताइए मुझे कहीं लेके जाना है कंप्यूटर, तो मैं चार पार्टों को कहाँ कहाँ ले जाऊँ, मॉनिटर अलग ले जाऊँ, कीबोर्ड अलग ले जाऊँ, माउस अलग, यार एक बोरी बनाना पड़ेगी। तो बोरी में ना भर करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, हर्बर्ट आइकेन साहब तो और चार्ल्स लेविस साहब ने आविष्कार करके चले गए। उसके बाद हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट वैज्ञानिक थे तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को और छोटा कर दिया। कितना छोटा कर दिया, एक लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया। भाई आराम से बैग में डालिए ले जाइए, सारे फीचर्स वही होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको और लगा कि नहीं यार और छोटा करने जेब वाला, उन्होंने टैबलेट में लिया आया भाई पाम टॉप, जिसे आप अपने हथेली पर रख करके आराम से चला सकते हैं। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया और टैबलेट, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर का प्रकार। एक कंप्यूटर को इतना भागों में बांट दिया गया। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, आपके कैलकुलेटर का काम कर सकता है, आपका सब कोई सुपर क्या कहते हैं मौसम की जानकारी, ठीक है, और आपका अकाउंट का काम करना, बैंक में कंप्यूटर का काम है, स्कूल में कंप्यूटर का काम है, कॉलेज में कंप्यूटर का काम है, और जहाँ तक कि पर्सनल जीवन में अपने खुद की एक निजी लाइफ में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है। कंप्यूटर भैया बहुत बड़ा है, कंप्यूटर बहुत ही एक आम शब्द। मोबाइल कहाँ से आया, पहले क्या आया, कंप्यूटर की ही तरह मोबाइल आज काम कर रहा है। देखो हम टाइपिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सारे काम करते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसी तरीके से मोबाइल में भी हम बहुत सारे काम करते हैं। तो कंप्यूटर का ही रूप से मोबाइल को आप कह सकते हैं, ठीक है, मोबाइल आप कह सकते हैं कंप्यूटर का छोटा रूप जो आपके रेजियम में सुरक्षित है। और कंप्यूटर के प्राइस भी क्या है, 18,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, जितना महंगा आप ले लें। और आजकल वेरिएंट में कंप्यूटर वेरिएंट में है, हर एक कंपनी का है, सैमसंग, लावा, न जाने कौन कौन सी हैं, डेल, वेल, एचपी वगैरह, है ना, एसआर, आसूस, बहुत सारी कंपनियां हैं कंप्यूटर की, आप किस किस को देखोगे। तो तमाम कंपनियां कंप्यूटर में मौजूद हैं, तमाम प्रकार से कंप्यूटर्स आ गए हैं और तमाम डिज़ाइन भी आए हैं। जैसे कि कंप्यूटर, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि कंप्यूटर
ऑल इन वन भी आ गया है भाई। एक डब्बा ले लो, उसी में सब कुछ है, सीपीयू है, मॉनिटर है, यूपीएस है, सब कुछ, ए से लेकर जेड तक का सामान आप कंप्यूटर में। और लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में क्या है, लैपटॉप में तो सब कुछ है, एक ही चीज़ है, कीबोर्ड भी उसी में है, माउस भी उसी में है, सब कुछ उसी में है। तो ये होता है प्रकार, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि आप कई सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के बिना या मोबाइल के बिना कर नहीं सकते। ये बताइए कि आज के दौर में बिना मोबाइल के कौन है? एक आम इंसान का, किसान भी अगर होगा तो वो कीबोर्ड फ़ोन, कीपैड फ़ोन ज़रूर रखता होगा, जो आता है ना 21 बटन वाला, 21 बटन का, 22 बटन का जो मोबाइल आया करते हैं, वो मोबाइल आज भी रखा करते हैं लोग, ठीक है। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा, क्योंकि जितना मैं इस पर लेक्चर्स दूँगा उतना कम है। और हाँ, मुझे कंप्यूटर का हिंदी और इंग्लिश नाम आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं बता दूँ, सी से होता है कॉमन ली, आगे आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, बट अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ जितना इसको सपोर्ट करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो आपके लिए पूरी सीरीज है चला दी जाएंगी। अगर लाइक और कमेंट की संख्या कम रही तो इसे हम यहीं रोक देंगे। अब आपको फैसला करना है कि इसको चलाना है या वही सीखना है सब ऑटो टीडीएस की सेटिंग। तो आपको क्या सीखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप कंप्यूटर सीखना नहीं चाहते, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे डेस्कटॉप की, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्या है क्या नहीं है, डेस्कटॉप, टास्कबार और स्टार्ट मेन्यू पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर, हम कभी अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कमलेश भैया के साथ, हम दोनों ही मौका लगा तो आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, और अपने को रखिए ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।